और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मार्केटिंग के, हम स्टूडेंट रहे हैं तो उसमें ये सब चीजें बहुत पढ़ाई जाती है। मिश्रा जी, ये बताइए कि ये जो अपोजिशन वाले हैं, ये मुद्दे उनके पास बहुत हैं, लेकिन वो लोगों के बीच में उन मुद्दों को क्यों नहीं उनके माइंड में बिठा सकते हैं जी? मतलब चलिए, ये जो मैंने करप्शन के बताए, यही बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी के अगेंस्ट, कि ये कैसे करप्टेड आदमियों को अपने साथ मिला लेते हैं। इन्फ्लेशन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, ये क्यों नहीं लोगों के बीच में जाके उनको कन्विंस कर सकते कि भाई आप बीजेपी को वोट मत डालो? व्हाट, कहाँ कमी आपको महसूस नजर आती है अपोजिशन में? डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं लगातार पिछले 2014 से मैं अपने आप से पूछता रहा हूँ, क्योंकि और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मार्केटिंग के, हम स्टूडेंट रहे हैं तो उसमें ये सब चीजें बहुत पढ़ाई जाती है। इन्फ्लुएंसिबिलिटी अपने आप में एक बहुत टिपिकल टास्क है। आपने बोल दिया जी महंगाई बढ़ गई, बात सही है, मैं मान लेता हूँ कि भाई महंगाई बढ़ गई या बेरोजगारी बढ़ गई, फिगर आपके फेवर में है, लेकिन सामने वाले को इस चीज के लिए कन्विंस करना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, ये एक बहुत टिपिकल टास्क होता है। और कम्युनिकेशन साइंस अगर लगभग सभी लोगों ने पढ़ी होगी या जानते होंगे, बहुत स्ट्रेटजिक टास्क होता है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं डॉक्टर साहब, एक गुड होता है, गुड कम्युनिकेशन का मतलब हाँ जी महंगाई बढ़ गई, ठीक है मैं समझ रहा हूँ आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, महंगाई बढ़ गई। लेकिन दूसरा होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हाँ जी महंगाई बढ़ गई, ये मेरे लिए नुकसानदायक है, और सामने वाला कन्विंस होता है और एक्ट करने के लिए तैयार होता है, यानी पॉलिटिकल क्यूज तो आप गुड जो है कम्युनिकेशन से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ट्रिगर उसको एक्शन में बदलना कि जनता जो है विरोध करे और जाकर के वोट अपना दूसरे लोगों को डाले या आपको डाले, ये बहुत माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट है। और इस पे विपक्ष बीजेपी से 9 साल पीछे है। मेरे कहने का मतलब विपक्ष अब सोशल मीडिया पे फोकस कर रहा है, टक्कर दे रहा है बीजेपी को, बीजेपी ने 2014 में ही ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे कर ली थी। तीसरी इंपॉर्टेंट सबसे चीज है कि विपक्ष बहुत नैरो माइंडेड है, कहीं भाषा की कमी आ जाती है, कहीं जो है मैसेज को उतने इफेक्टिव वे में कि पब्लिक जो है अपने आप को उस मैसेज से जोड़ सके, को रिलेट करके ये सोच सके कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम तो मेरी अपनी प्रॉब्लम है, मेरे अपने फैमिली की प्रॉब्लम है। बीजेपी वाले जो मुद्दे या जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंसिबिलिटी उन मैसेज में, उन मुद्दों में है रेदर देन विपक्ष के। विपक्ष जोर शोर से शुरू करता है, कुछ दिनों तक वो मुद्दे चलते हैं लेकिन मुद्दे फुस हो जाते हैं उस लेवल तक, और उतने टाइम पीरियड तक यानी वोटिंग डे तक आदमी को चार्ज करके रखना, वोटर को अपने फेवर में चार्ज करके रखना एक बड़ा टिपिकल टास्क होता है। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। देखिए विपक्ष के उद्देश्य बहुत अच्छे हो सकते हैं मैं मानता हूं, लेकिन सफलता मुझे नहीं दिख रही है। विपक्ष कुछ इस तरीके से काम कर रही है, हाँ जी करते रहो, जीत गए तो जीत गए, नहीं तो जब जीतेंगे तब जीतेंगे, जी हमारा काम है संघर्ष करना। माइक्रो लेवल पे जब आपके आप जा करके देखते हैं तो एक एक स्टेप को फिक्स करते हैं कि ये करेंगे तो इससे ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, इतना रिजल्ट आया, ये डेविएशन हुआ, उस लेवल की प्लानिंग शायद विपक्ष अभी नहीं कर पा रहा है।